हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5। देखो इसमें क्या बोला गया है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। यानी कि जब भी आपकी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो दोनों पे चार्ज आ जाता है। ओके, अ सिमिलर फिनोमेनन इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, यानी और ही बॉडीज के साथ देखा गया कि जब भी उन्हें रब करो तो दोनों पे चार्ज आ जाता है। तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको ये बताना है कि जो ये फिनोमिनन है वो किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता था पहले वो समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता था चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि चार्ज जब प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता तो जब ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया गया तो दोनों पर चार्ज प्रोड्यूस कैसे हो गया, या तो वो गलत है या अगर ये प्रोड्यूस हुआ है तो इसको फिर क्लियर करो कि ये किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो बात समझ में आ गई ना, प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब ग्लास रॉड पर और सिल्क क्लॉथ पर चार्ज आ गया तो सवाल आया चार्ज आ कहाँ से गया, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वही हमें समझाना है कि यहाँ पर किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो किया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, एक तुम्हारे पास ग्लास रॉड है, एक तुम्हारे पास सिल्क क्लॉथ है। अब स्टार्टिंग में होता क्या है, ग्लास रॉड के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और भाई नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों क्या हो गए न्यूट्रल, यानी ग्लास स्टार्टिंग में न्यूट्रल, ये कंडीशन है जब रब नहीं किया गया। फिर उसके बाद सिल्क की बात कर लेते हैं, सिल्क पे है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी, ये भी बात तब की हो रही है जब इन दोनों को रब नहीं किया गया, भाई न्यूट्रल है। अब होता क्या है, जब ग्लास और सिल्क को रब किया जाता है एक दूसरे के साथ तो ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर सिल्क में चले जाते हैं। अब भाई जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज भी लेके जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन चार्ज ले जाएंगे तो कौन सा चार्ज ले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला गया सिल्क के पास। अब जब नेगेटिव चार्ज सिल्क के पास चला जाएगा तो ग्लास के पास पहले जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में था, नेगेटिव चार्ज चला गया तो अब क्या हुआ, ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ग्लास बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा लगेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसा नहीं है पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव चार्ज चला गया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया और हमें लग रहा है कि ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले क्लियर हो गया यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, हमने तो पढ़ा था डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब ये डिस्ट्रॉय होकर गया कहाँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचे सिल्क के पास। अब सिल्क पे पहले सिचुएशन क्या थी, रब करने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल था, लेकिन जैसे ही सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए अब इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब जैसे ही सिल्क पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इस बार क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम पड़ गया, यानी हमने कहा सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ऐसा लग रहा है सिल्क पर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, लेकिन आया कहां से, ग्लास से। तो क्या जितना ग्लास पर चार्ज कम हुआ उतना ही सिल्क पर आया या अलग अलग आया? तो जवाब है मेरे भाई, जितना ग्लास रॉड से चार्ज गया है सिल्क पर उतना ही चार्ज बड़ा होगा, यानी अगर हम दोनों को मिला के देखेंगे तो नेट चार्ज जीरो ही निकलेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम देखें, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, ग्लास को और सिल्क को एक साथ देखो, ग्लास को और सिल्क को एक साथ देखो तो ग्लास से चार्ज कम हुआ है माना, लेकिन सिल्क पर चार्ज बढ़ा है, तो दोनों को मिलाया जीरो। तो अगर चार्ज कहीं से कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो कितना होगा, जीरो। ना तो पूरे सिस्टम पर चार्ज बढ़ा होगा ना ही पूरे सिस्टम पर चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ होगा, बस ग्लास पे कम हुआ सिल्क पे बढ़ा, लेकिन ग्लास और सिल्क दोनों का मिलकर देखा तो दोनों पर कुछ नहीं बढ़ा, दोनों पर चार्ज पहले भी उतना ही था रब करने से, रब करने के बाद भी उतना था। तो क्लियर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज भी क्या हुआ, इनक्रीज हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम आपका नेट चार्ज जीरो रहा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर पढ़ लो। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ अपोजिट चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे अपोजिट चार्ज आते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। अभी मैंने समझाया कि देखो ग्लास से क्या होता है, ग्लास से सिल्क पे जाता है। इन दिस प्रोसेस चार्ज इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी इस प्रोसेस में चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, सिर्फ एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर हो रहा है। इट इज मेनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, हेंस दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, ये आपने ग्लास रॉड यहाँ पे देखी, ग्लास रॉड ये ग्रीन कलर की है, सिल्क क्लॉथ ये रब कर रहा है, तो इसके बाद सिचुएशन क्या आई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्लास पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज।
लेकिन जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे, जब हम इसको दोनों को एक साथ देखेंगे पूरा बॉक्स में आइसोलेटेड सिस्टम में, तो नेट चार्ज हमारा क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि जितना चार्ज ग्लास नोड से गया उतना ही चार्ज सिल्क क्लॉथ पर बढ़ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।